है जो कि राजधानी दिल्ली से है, जहां पर बीच सड़क पर फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दिल्ली के पटेल नगर इलाके में बीती रात मामूली बात पर कहा सुनी हुई और एक शख्स को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि विपिन नाम के शख्स की कार तीन युवकों से छू गई थी, इसी पर ये लड़के विपिन से जा भिड़े। मामला काफी बढ़ गया और इन युवकों ने विपिन पर गोली चला दी। गंभीर हालत में विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए, ये तीन लड़के जा रहे हैं, इन्हीं पर आरोप है कि इन्होंने विपिन पर गोली चलाई है। तस्वीरें जो कि कैमरे में कैद हुई हैं, मामूली सी बात पर यह कहा सुनी हुई और एक शख्स को दिल्ली के पटेल नगर में गोली मार दी गई। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके की एक रिहायशी कॉलोनी में गाड़ी से लगी एक मामूली टक्कर के बाद गोली चल गई। दरअसल मामला गुरुवार रात का है, जब विपिन राजपूत नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर अपनी दुकान आरएसवी प्रॉपर्टी से निकलकर इस रास्ते की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे तीन युवकों में विपिन की गाड़ी जरा सी टच हो गई, जिसके बाद इनके बीच में कहासुनी शुरू हो गई। तभी इन तीनों युवकों में से एक ने विपिन पर गोली चला दी। गोली जाकर सीधे विपिन के पेट में लगी, जिसके बाद विपिन को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विपिन अभी खतरे से बाहर हैं। पुलिस इलाके में ही लगी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आपको ये भी बता दें कि तीनों युवक मौके वारदात से तुरंत फरार हो गए और पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ वैभव कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज।